हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन व्लॉगर के तौर पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं आज के नए न्यू व्लॉग को। इतनी शॉपिंग की यार, इतनी शॉपिंग कर दी, और मेरे लिए भी की, अपने लिए भी की, प्रीमियम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, सबके लिए की। और आप व्लॉग में देखिए आगे, तो व्लॉग में व्लॉग एंजॉय कीजिए। और व्लॉग देने से पहले यार एक लाइक कर दीजिए आगे जाने से पहले वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर बेल आइकन को ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर ऑन करना। तो आप इंजॉय कीजिए व्लॉग को, तो मिलते हैं बाद में। बाय बाय। हेलो, राम राम जी बड़ों को, राम राम छोटों को, प्यार और आशीर्वाद। सुबह के 9:15 हुए हैं और सुबह का सारा काम अब रूटीन शुरू हुआ। गौरव जा चुका है और वर्षा वर्षा क्या बात, मैं झाड़ू लगा कर लेट गई, मारा साफ सफाई तो की पोछा नहीं लगा रही, तेरी तबीयत थोड़ा ढीली सी है। हमारी गली जो है खुदने लग रही है, जो ये ईंट है ये तो अभी निकाल दिए, उसके बाद में सारी खुदेगी यहाँ से। इसके बाद इसमें पाइप डलेगा और उसके बाद चलिए होएगी। अभी अभी इतनी हुई है, जब पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी मैं आपको। रुई आ चुके हैं, इसके तो है ही नहीं चैन बिल्कुल भी रुई के। आराम से आराम से आराम से। हेलो हेलो दोस्तों, कर दो आप भी क्या ना करती पापा जी का नाश्ता जो है चलने लगा, फिर पापा जी जाएंगे ड्यूटी पर और ब्रेड से। तो आप मेरा फोन देखिए नया, आप किट्टू का फोन देखिए नया, किट्टू का फोन करवाना। अच्छा कौन सा सिम लेगा, कौन सी कंपनी का लेगा? जियो का लगवाऊंगा। तो अच्छा आया तो खराब हो रहा, सही है। इसके पापा से फोन देते रहे 4% का वाली, अब 4% चला। रुई को नहीं मिला फोन, रुई फोन नहीं मिला आपको? ओ रुई तो इसका फोन बताओ, तो रुई को फोन नहीं दिया मैं बाबू को, है ना? अच्छा रुस्सा नहीं करते। इसमें हमारे दूध आया था, तो जहाँ से दूध आया था पापा जी के मतलब दोस्त के यहाँ से दूध आया था, तो वापस जा रहा है ये। और इसमें हम वापस क्या भेज रहे हैं, तेरे पापा मीठा खट्टा दे दे, मैं खट्टा तो बनना बनाया नहीं, मीठा ही मीठा है वो, है ना? कि वापस से ना खाली नहीं भेजा करते। हाँ जी बी है आप पे? हाँ बी बी है, ए तो इसके कू गए, बी मिल गए। और मैं भी नहाकर रेडी होकर पूजा भी कर लिया मैंने, तिलक दिख रहा होगा, मैंने आज पूजा कर ली है। अब नाश्ता करूंगी मैं, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो रुई आ दिख गई मुझे, तो रुई फिर रुई के साथ में आ गई। तो अब पायदान वगैरह डाल देती हूँ मैं, जो भी डालने, और इनका काम चलता रहेगा आज। वैसे एक दिन में निपटा रहे ना अम्मी जी, थोड़ी थोड़ी जगह एक दिन में सारा निपटा रहे हैं ये। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और ये देखे काम हमारा सारा खत्म हो चुका है, काम खत्म करने के उसमें बाद में आके कपड़े धुलूंगी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, वर्षा और मैं, वर्षा आ जल्दी चाह फिर सड़क पर हो जाएगा ना काम। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट में, बाहर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मास्क मैंने ले लिया, वैसे आजकल कोई मास्क नहीं आता, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो इसलिए। तो हम जाते हैं मार्केट में और आपको दिखाते हैं कहाँ तक काम पहुँच गया। चलो लेके चलते हो, चलो। तो मम्मी थक गई है, मार्केट से हम आ चुके हैं और हम लेके आए, इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं। देखिए आपको तसल्ली में दिखाएंगे, मतलब आज भी तो थकी हुई है, तसल्ली में दिखावेंगे क्या क्या लेके आया सामान। तो मैं आपको पानी दे देती हूँ, ठीक है? गिलास पानी। मैं भी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, पसीने पसीने हो गया, धूप नहीं निकल रही है लेकिन गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, अभी आराम कर लेते हैं हम। तब तक बाजार से आने के बाद थोड़ी थकान सी हो गई, अभी मैं बैठी हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। ये देखे बैठे बैठे मैं और भी कुछ काम करती हूँ आपको, और बाहर की वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि काम चल रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है सड़क पर, हम रोक तो सकते नहीं। ये पानी के पाइप दब रहे हैं, फिर से पानी आया करेगा, अब तो थोड़ा सा हल्का आता तेज आया करेगा। ये देखे मैं कान्हा जी का दिखाती हूँ सबसे पहले आपको, ये अपने लड्डू गोपाल के लेकर आई हूँ खाटिए,
किसके लिए है ये आपको पता लग जाएगा बाद में। हमारे वाले कान्हा जी पे तो है पहले, ये देखे कान्हा जी के, ये मुकुट है, ये देखे लड्डू गोपाल के लिए जरूरी है। और जो उनसे लड्डू गोपाल पहनेंगे फिर आप उनको पहने हुए देखना कैसी लगी। ये देखे कान्हा जी के केस, घर में सबसे छोटी है वो, जब बाजार जाऊंगी जब भी जो इसका नाम है तो मुंह फूल जाता है इसका, जब मैं और किसी का सामान ले आती हूँ मेरे बारे में बुराई हो, घर से बाजार से घर तक आना फिर मेरा मुश्किल हो जाता है, अभी तक वही नखरे हैं बचपन वाले। प्लाजो पैंट लेके आई हूँ मैं अपनी, आप ही मैं जल्दी दिखाऊंगी पहनकर, शायद नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाए। और अब देखे सबसे बड़े वाले का, बड़े लड्डू गोपाल का, गोपाल का। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, मतलब ये दोनों सेट ना हम तीनों को, भैया को, मम्मी को और मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। ये तो हो गया अभी, हाँ हमने सोचा भाई वो क्यों ना गिफ्ट दे दें, उसको भी इन बताए पर वैसे बता दिया था जब फोटोज भेजे थे उसके पास में। देखो सबकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है मुझे, एक माँ को सबका सोचना पड़ता है। ये भी शर्ट का कपड़ा है, ये मेरा है, ये मम्मी की पसंद है, खुद मम्मी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार मार्केट गई थी, पहले आज से पहले जब मैंने कपड़ा देखा था तो मैं उसी में से ले लिया। है ये ब्लैक, और आप कमेंट्स करके ये बताइए कि ये शर्ट के हैं या कुर्ती के हैं और है किसके लिए, अरे है किसके लिए। और जब ये जो भी पहनेगा उसको आप देख लोगे पता चल जाएगा किसके लिए, बाद में टाइम लगेगा देखने में पर पता चल जाएगा। और बस यही है, थोड़ी सी सब्जी की शॉपिंग की है, सब्जी ले कर आए हैं। और आप बताइए हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में आप छोड़ दियो, कहना हमें भी अच्छा। मम्मी कमेंट्स पढ़ती है सबके कमेंट्स, मैं सबके पढ़ती हूँ, वीडियो कम देखती हूँ, आप सबकी मुझे बहुत याद आती है मन खुश हो जाता है भाई आपके कमेंट्स पढ़ के, मैं वीडियो देखने से बाद में ज़रूर पढ़ती हूँ। मैंने जो है मम्मी को चाय बनाकर दे दिया, मम्मी का फास्ट है, और आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो टकाटक लवर वीडियो बनाने लग रहा है अपने फ़ोन में, कितनी गहरी हो चुकी है अभी, और कितना गहरा हो चुका है गड्ढा, बहुत ज़्यादा ये खोद रहे हैं इधर, दुई रोने लगी है। किट्टू आया है और गिर चुका, उधर से आया है गिर चुका, कपड़े दिखा देख, कपड़े सारे गंदे हो गए, इधर देखो सारे गंदे कपड़े हो गए, पैर भी सारे गंदे हो गए, आना जरूरी था पापा को फोन ना करो इसके तो कड़ी बनेगी और मेरे खाने से छठी है कड़ी बना रही है, पापा दही लेकर आए हैं अभी, अब तैयारी होगी शुरू, खाना जी की छठी करेंगे अब। बिल्कुल चल, रूही को देखो, रूही तो इस चक्कर में, बाबा जी क्या लेकर आए, पकौड़ी खाएंगी। किट्टू जो है अपनी बहन को साड़ी पहनाने लग रहा है, देख लो किस तरीके से पहना रहा है, आती भी है क्या इसको पहनानी, आती है ये बोल रहा है मैं तुम्हारा शेर हूँ तुम मेरी क्या हो, मालिक इनके चोचले। मैंने गोपाल जी को रेडी कर दिया है उनकी छठी के लिए, तो जैसी भी मुझसे डेकोरेशन हो पाई छोटी सी मैंने कर दी है इनके बेड पर ही, जो इनकी खाट थी उस पर डेकोरेशन कर दी है, ये अब देखे और बताना कैसी लगी है, मैंने अच्छे से रेडी कर दिया। और इनके पीछे कौन खड़ा है, शैतान लड़की और मैं और किट्टू। अच्छा किट्टू बोलना, अच्छा फिर से बोलिए, नहीं किट्टू है ये, तो आप बताना कैसी लगी है ये, अब मैं इनको इनके स्थान पर बिठा देती हूँ, फिर उसके बाद इनको भोग लगेगा, छठी पूजी जाएगी। तो छठी में कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल बनाए हैं और खाना तैयार हो चुका है, मैं लगाऊंगी भोग, और मम्मी ने अपने फास्ट वाला खाना बना लिया है, आलू फ्राई किए हैं, आलू जीरा वर्त वाले,
ये भी रखोगी? ये तो मुझे मिलेंगे। मम्मी ना जो भोग लगाती है ना कान्हा जी का, वो मुझे दे देती है। और ये वाला खाना देंगे बच्चों को। और कढ़ी भी ये रही, आपको दिखाती हूँ, बनकर रेडी हो चुकी है। और ये कान्हा जी की छठी के लिए हमने रसगुल्ले बनाए थे। तो कान्हा जी को हम ये भोग दे रहे हैं, देख लीजिए, आलू रसगुल्ले और कढ़ी चावल और तुलसी का पत्ता। ये तो जरूरी रहता है तुलसी, तो मैं अब कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। अब तो मैंने रख दिया है भोग और पर्दा लगा देती हूँ। मम्मी बोल रही है कि मतलब छठी भीतर ना दिया नहीं दिखाना चाहिए, तो अचानक से मतलब हो गए इतफाक से, तो कान्हा जी बैठे खाट पर और दिया लगाए नीचे, तो कान्हा जी को दिया भी नहीं दिखेगा। तो अब भोग लगा देते हैं हम। पर्दा लगा दिया है, भोग लगा दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।